हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी फैशन में। दोस्तों देखिए, आज फिर से हमारे राजस्थान से कावड़ी में ओढ़े जाने वाली जो चुनरी पीला पोंचा होती है, मैं उसका वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि देखिए दोस्तों, ये मैंने सबसे पहले आपको एक पोत का पोंचा दिखाया है जिसमें ये हाथ से लगाया हुआ गोटा बेलबूटी है। तो ये बेलबूटी मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये हाथ से बनाई हुई बेलबूटी है, देख लीजिए आप। ये देखिए, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धागे का और इसमें कुछ मोती लगे हुए हैं और तारी का, और यही इसमें काम किया गया है। और बहुत सुंदर डिजाइन की ये जो बूटियां हैं और बेल है जो बनाई गई है, और ये सेम जैसी बूटी है वैसी बेल है, और बहुत सुंदर पोंचा है। दूसरा है कि ये पीला है, जो जिसको ओजरिया का पीला भी बोलते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें जो है आरी तारी की कढ़ाई है, और इसमें मोर का जो वो है बेल बूटी जो है वो बनी हुई है। तो इसमें देखिए, मोर की भी बेल है और बूटी भी। और एक ये जो चुनरी है, इस चुनरी में देखिए राधा कृष्ण जी की बूटी है और बेल है। तो इसमें राधा कृष्ण जी बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर जो है इसकी बेल बनी हुई है। तो ये देखिए, और एक ही ये वाला पीला है। तो मैं आज दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि आज जो ओजरिए के जो हमारे यहाँ पे जो जो पोत लेके, और उसमें भी हम बेलबूटी डाल सकते हैं, और बनी हुई गोटा पत्ती का भी काम आता है, उसको यहाँ पे हमारे यहाँ ओजरी का पीला पोंचा बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए ये जो है एक मतलब एक बेल के हैं, इनका बंदेज जो है वो पूरे में नहीं है, बस एक बेल बनी हुई है जिसको एक बेल का चालका बोलते हैं, एक बेल का ओढ़ना बोलते हैं। और ये चुनरी है दोस्तों, तो देखिए इसमें कितनी सुंदर जो है बेलबूटी लगी हुई है, आपको देखते ही बहुत पसंद आएगी ये। तो एक बेल वाले जो होते हैं वो पोत के, और वैसे भी आप चुनरी वगैरह वैसे लेके आओगे तो भी एक बेल के मिलते हैं, आप पोत भी एक बेल का लेके उस पर काम करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये वाले ओढ़ने। तो दोस्तों चलिए कुछ और चुनरी पीला पोंचा आपको बता देती हूँ। तो देखिए, एक ये गोटा पत्ती का जो पोंचा है, जिसका जो अंदर का जो जिसको चांद बोलते हैं, वो चांद जो है वो स्टार की शेप में है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ट्रेंड में ये जो ओढ़ना है वो चल रहा है। दूसरा देखिए दोस्तों, एक ये गोटा पत्ती की चुनरी है जिसका बंदेज पोत और इसका कढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो है गोटापत्ती की हैं, और इसका बंदेज देखिए कितना सुंदर है, कहीं से भी मतलब आपको अंगुली टेकने को भी जगह नहीं मिलेगी, पूरा भरा हुआ ओढ़ना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक ये वाली चुनरी है जो कितनी सुंदर लग रही है, आप देखते जाइए, मैं आपको एक एक करके सब बताती जाऊँगी। और जो भी आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, एक बेल वाला या फिर गोटापत्ती वाली चुनरी पीला पोंचा, कौन सा जो अच्छा लगा उसका कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना दोस्तों, आपके लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप देखते रहिए वीडियो, और बने रहे वीडियो पर लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखें। और आपको मैं इनकी रेंज बता दूं, तो जो पूरी जो चुनरी गोटा पत्ती की है वो है जो मतलब 10,000 से 15,000 के बीच में है, और जो एक बेल के जो हैं वो थोड़े कम में हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।